आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोरोना वायरस का खतरा बरकरार, एमपी छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में शिक्षण संस्थाएं बंद। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, अस्थिर है कमलनाथ सरकार, सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को हटाया गया। बरकरार है मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुसीबत, सिख नेता सिरसा ने कहा जेल जाएंगे कमलनाथ। भोपाल में सिंधिया और सोलंकी ने भरा राज्यसभा के लिए नामांकन, रायपुर में तुलसी और नेता निर्विरोध। और अमर सिंह ने खोली सिंधिया वंश के साथ कांग्रेस के धोखे की पोल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की वजह से एमपी यूपी छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के तेजी से फैलने के कारण देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही हैं। भारत सरकार ने जहां विदेशी नागरिकों के भारत आने पर रोक लगाते हुए सभी टूरिस्ट वीजा को 15 अप्रैल तक रद्द कर दिया है, वहीं कई राज्यों ने तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं वहां सरकार लोगों को एक साथ इकट्ठा न होने की सलाह दे रही है। वहीं देश के लगभग एक दर्जन राज्यों ने स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वहीं कुछ राज्यों ने मॉल्स सिनेमाघरों को भी बंद कर दिया है। सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग एक साथ इकट्ठा न हो, क्योंकि संक्रमित बीमारी होने की वजह से कोरोना वायरस के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि अब तक देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। किसी राज्य में 31 मार्च तो किसी राज्य में 22 मार्च तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। कुछ राज्यों में इसे अनिश्चित काल के लिए घोषित किया गया है। देश में कोरोना वायरस के खतरे के बीच हरियाणा पहला राज्य है जिसने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भी इसके खतरे को देखते हुए कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। सत्ता को लेकर मध्य प्रदेश में जारी घमासान अब संवैधानिक व्यवस्थाओं व प्रतिक्रियाओं की जद में पहुंच गया है। करीब 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफों के बाद कमलनाथ सरकार जहां गिरने की कगार पर है, वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से बीजेपी की शिकायत की। उसके बाद राज्यपाल ने सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को हटा दिया है। कमलनाथ सरकार संकट में है, भाजपा का पूरा जोर। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सदन में फ्लोर टेस्ट कराने पर है। राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सलाह पर मंत्री परिषद के 6 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से पृथक कर दिया है। इन मंत्रियों के नाम इमरती देवी, तुलसी राम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है। इस बीच सिंधिया समर्थक विधायकों को भोपाल आना था लेकिन वो नहीं आए। इस कारण राजा भोज एयरपोर्ट पर कांग्रेस और सिंधिया समर्थकों के बीच तनाव के हालात भी बने। भोपाल एयरपोर्ट पर धारा 144 लगाई गई। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी की शिकायत की है। कमलनाथ ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप भी लगाया है। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब राज्यपाल लालजी टंडन से बीजेपी की शिकायत की और ज्ञापन सौंपा। कमलनाथ ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी राज्यपाल को दी। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं अभी राज्यपाल जी से मिला हूँ। सबसे पहले तो मैंने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, एक पत्र दिया है कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को कैद किया गया, जो आज पूरा देश इसका विटनेस है। इन विधायकों को इस कैद से छुड़ाया जाए और वापस लाया जाए, ये मैंने मांग रखी है। अपनी सरकार बचाने के संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सिख दंगों की तलवार लटक रही है।
ऐसे में सिख दंगों की लड़ाई लड़ रहे सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिरसा ने कहा 1984 के सिख दंगों में कत्लेआम के लिए कमलनाथ जेल जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो उनकी लड़खड़ाती सरकार जमीन पर आ जाएगी, लेकिन वो बहुमत साबित भी कर दे तब भी मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच कमलनाथ पर सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि अब कमलनाथ की कुर्सी जाएगी और उसके बाद कमलनाथ सिख कत्लेआम के मामले में जेल भी जाएंगे। उनका कहना है इस मामले में कई पुख्ता सबूत कमलनाथ के खिलाफ हैं। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो जाएगा ही, बड़ी जल्दी 1984 के सिख कत्लेआम में जेल में भी जाएगी। एसआईटी ने 601/84 एफआईआर जो कि तीन सिखों के कत्ल की एफआईआर है, जो जिसमें कमलनाथ सीधी तरह से इन्वॉल्व था, उसका सारा रिकॉर्ड सीज कर लिया है और उसके रिकॉर्ड के सीज करने के दौरान बड़े सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। कमलनाथ का नजदीकी बसरू जो कि उसका मध्य प्रदेश से साथी है और उस वक्त उसके घर 34 नॉर्थ एवेन्यू में रुका हुआ था, बकायदा उसका एड्रेस उसमें मौजूद है, वो इस एफआईआर के अंदर मौजूद है। इस एफआईआर में छोटेलाल, इस एफआईआर में विष्णु जो कि कमलनाथ के घर पर रुके हुए हैं और उनका एड्रेस कमलनाथ के घर का एड्रेस है, ये सारे कागजात जो सामने एविडेंस आया है, ये बहुत पुख्ता एविडेंस है जिससे अब कमलनाथ का बचना नामुमकिन है। सिख दंगों के मामले में नानावटी आयोग और एसआईटी के पास ऑर्डर सीज हैं। इस ऑर्डर में तमाम ऐसी बातें हैं जो कमलनाथ को भविष्य में मुश्किल में डाल सकती हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की लंगड़ी सरकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैसाखियां छीनने का काम किया है। ऐसे में कमलनाथ सरकार लंबा चल पाए इसकी उम्मीद बहुत कम है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस में जबरिया हाशिए पर लाए गए नेताओं के सामने एक नया विकल्प सामने आ गया है। कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य बीजेपी के नेता उनके साथ रहे। भाजपा के दूसरे प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। देश के अलग अलग राज्यों की 55 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भोपाल में अपना नामांकन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और फिर भाजपा ज्वाइन की थी। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना पर्चा भरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा भाजपा के दूसरे प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी ने भी अपना पर्चा भरा। गुरुवार को ज्योतिरादित्य भोपाल पहुंचे थे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के कुछ देर बाद ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया था। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए सियासी जंग जारी है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताब ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। भाजपा ने राज्यसभा के लिए यहां कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, इसीलिए दोनों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवार केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम के निर्वाचन दाखिल करते ही उनका निर्विरोध जीतना तय है। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले केटीएस तुलसी राजीव भवन पहुंचे। तुलसी ने झीरम घाटी के शहीद कांग्रेस नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ विधानसभा के लिए रवाना हुए। वहीं फूलो देवी नेताम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा पहुंची और नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया गया था। वहीं संख्या बल में कमजोर होने के कारण भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला पहले ही कर लिया था।
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीट मोतीलाल बोरा और रणविजय सिंह जूदेव का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हो रही हैं। कांग्रेस के 69 विधायक होने के कारण दोनों सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। फूलो देवी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। केटीएस तुलसी ने कई बड़े मामलों की पैरवी की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के कई मामलों के भी कोर्ट में पैरवी करते हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीति में घटने वाली बड़ी घटनाओं के साक्षी राजनेता अमर सिंह काफी समय से बीमार हैं। वे सिंगापुर के अस्पताल में हैं, उनकी सर्जरी हुई है, मगर देश प्रदेश की राजनीति में होने वाली एक एक घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमर सिंह ने सिंगापुर के अस्पताल के बेड से एक वीडियो जारी किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने देशवासियों को होली की बधाई देकर की है। अमर सिंह ने इस वीडियो में कांग्रेस की सिंधिया वंश के साथ धोखे की एक एक पोल खोल कर रख दी है। अमर सिंह वो नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ राजनीति की है। वे राजनीति के हर दांवपेच बड़ी ही बारीकी से समझते हैं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में कई सरकार बनते बिगड़ते देखी हैं। वे समाजवादी पार्टी से राज्यसभा मेंबर रहे, वे राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे हैं। इसके अलावा अमर सिंह के कई राजनेताओं से गहरे संबंध भी हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल आया है, वे उससे खासे व्यथित नजर आए हैं और एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस ने बार बार सिंधिया परिवार को छला है। अभी जो सरकार संकट में है, उसके लिए अमर सिंह ने कमलनाथ और दिग्विजय को दोषी बताया है। 18 वर्षों तक अनवरत पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सेवा की। ये ठीक है कि कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने त्याग पत्र में सोनिया जी को और कांग्रेस को धन्यवाद भी दिया कि देश की सेवा करने का उन्होंने उन्हें अवसर दिया। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि मध्य प्रदेश का चुनाव ज्योतिरादित्य के चेहरे पर लड़ा गया था? हो गया शिवराज, आपकी बार महाराज। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उनको प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार किया। ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने मात्र इतनी मांग की थी कि उनसे सलाह मशवरा करके प्रशासनिक और राजनीतिक काम हो, जिसको नहीं होने दिया गया। माधवराव सिंधिया ने मुझे भिंडे से टिकट दिलवा दिया था, उस टिकट को भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने काटा था। ये भ्रांति है कि अर्जुन सिंह सदैव सिंधिया विरोधी रहे। अर्जुन सिंह जी और सिंधिया जी की मित्रता हो गई थी, मध्यस्थता मैंने की थी और अर्जुन सिंह ने निर्देशित किया था कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिर्फ सलाहकार थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अर्जुन सिंह के, उन्होंने बगावत करके माधवराव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। सिंगापुर के अस्पताल से अमर सिंह ने मध्य प्रदेश की राजनीति पर यह बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया है कि विजया राजे सिंधिया को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी, इंदिरा की लहर में भी वो अपने पुत्र माधवराव को जिता कर लाई। अमर सिंह ने कहा कि क्या कारण थे जो राजमाता को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उसका खुलासा करने में आज देरी नहीं करनी चाहिए। आपको ये पूरा वीडियो दिखाते और सुनवाते हैं कि क्या कहा है अमर सिंह ने। सिंधिया परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध
बहुत पुराने रहे हैं। विजय राजे सिंधिया जी को भी कांग्रेस छोड़ना पड़ा और इंदिरा जी के लहर में अपने सुपुत्र स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ वो अपने बलबूते पर जीत के आए। वो क्या कारण थे जिसके कारण वो कांग्रेस छोड़ी, इसकी मीमांसा आज भी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात माधवराव जी जब आए अपनी माता का विरोध करके और कांग्रेस के कमर सिपाही के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं था वहां पर वो डटे रहे। माधवराव सिंधिया को भी कांग्रेस का टिकट तक नहीं दिया गया, तब बाध्य होकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि 100 जीवन मिलने के बाद भी वे किसी भी परिस्थिति में भाजपा में शामिल नहीं होंगे। सिंहदेव ने कहा, 100 जीवन मिलने के बाद भी मैं उस विचारधारा से कभी नहीं जुड़ूंगा जो मुझसे मेल नहीं खाती है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाने के कारण भाजपा में शामिल होता है उसे कभी सीएम नहीं बनना चाहिए। पार्टी के साथ खिलाफत कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की आलोचना करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा, एक व्यक्ति हमेशा कप्तान नहीं रहता। गावस्कर रहते हुए कपिल देव को मौका मिला, वर्तमान में विराट कोहली कप्तान है लेकिन T20 में अलग अलग कप्तान है। अगर उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया तो क्या कोहली पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे, यह समझ से परे है। सरकार के सबसे प्रभावशाली चेहरे में से एक माने जाने वाले टीएस सिंहदेव सरगुजा राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं और यह परिवार पूर्णतः कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा परिवार माना जाता है। सरगुजा की राजमाता और पूर्व केंद्रीय देवेंद्र कुमारी सिंहदेव भी कांग्रेस की लोकप्रिय नेता रही हैं। पंखाजूर में प्रशासन की तत्परता के चलते बाल विवाह रोकने में अधिकारियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी, तभी प्रशासन को उसकी खबर लगी। प्रशासन ने लड़की के डॉक्यूमेंट देखने के बाद शादी रुकवा दी। पखांजूर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी, जैसे ही स्थानीय प्रशासन को पता चला तुरंत प्रशासन के साथ बाल विकास अधिकारी, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और पखांजूर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग के डॉक्यूमेंट की जांच की। डॉक्यूमेंट के मुताबिक लड़की की उम्र 16 साल की थी, जिसके बाद शादी को रोक दिया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा लड़की के परिजनों को समझाइश दी गई कि लड़की की जब तक 18 साल की नहीं हो जाती शादी करना कानूनन अपराध है। दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने से सबसे ज्यादा झटका कमलनाथ समर्थकों को लगा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों ने सिंधिया का विरोध किया और उनका पुतला जलाया। मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थकों ने छिंदवाड़ा जिले में कई जगह बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध किया है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से मुख्यमंत्री कमलनाथ की कुर्सी हिल गई है। यही वजह है छिंदवाड़ा में जगह जगह कांग्रेसी सिंधिया का पुतला जला रहे हैं। परासिया में भी कांग्रेसियों ने सिंधिया का पुतला दहन किया और उन्हें विभीषण और गद्दार तक कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया गया है, जो कि अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक और मंत्री को भारतीय जनता पार्टी को बेच दिए हैं। केवल वो सत्ता में रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने उनको विगत 10 वर्ष जब केंद्र में सरकार थी केंद्रीय मंत्री बनाकर रखा, कांग्रेस का महासचिव बनाकर रखा, लेकिन वो बगैर पद के बगैर मंत्री के नहीं रह सकते। जैसे कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे सिंधिया बिना पद के नहीं रह सकते। और उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया है, जिसके संबंध में आज सभी कांग्रेसियों के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया और सभी लोगों ने माननीय कमलनाथ जी के प्रति अपनी आस्था जताई है। सिंगरौली में ऑटो चालक ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। ऑटो चालक महिला को छोड़ने के बहाने सुनसान जगह ले गया और फिर उसने महिला को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। सिंगरौली में ऑटो चालक ने एक महिला को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि महिला जबलपुर से सिंगरौली रेलवे स्टेशन आई, जहां ऑटो चालक आबाद अली महिला को घर छोड़ने के बहाने सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद ऑटो चालक ने महिला को डरा धमका कर चुप रहने को कहा और उसे मोरवा में छोड़ गया।
घटना के बाद देर रात रोती बिलखती महिला अपने घर पहुंचकर अपने पति को घटना की जानकारी दी और इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम ने क्षेत्र में चलने वाले सभी ऑटो की जानकारी जुटाना शुरू की और ऑटो छोड़ भाग रहे आरोपी आबाद अली को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की कंप्लेंट पे आरोपी के विरुद्ध दफ्तर में लिखित किया गया था और उसी में आरोपी को अरेस्ट किया गया है और यहाँ पे भेजा गया है। मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करेंगे। घटना 9 तारीख की रात के करीबन 3 बजे की थी। महिला कहीं बाहर से आ रही थी, ऑटो से ले जाकर के उसके साथ में कार्य गलत कार्य हुआ है और उसी रिपोर्ट पे ये अपराध हो रहा था। आरोपी की शिनाख्त की जा करके उसको अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई को फिलहाल 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल ऐसी सभी जगहों को बंद किया गया है जहां बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित सभी सार्वजनिक पुस्तकालय तथा शासकीय निजी व्यायामशाला, स्कूल, स्विमिंग पूल एवं वाटर पार्क अनिवार्य रूप से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरामेल मंगई डी ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई 25 मार्च तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि देश में कोरोना को लेकर अलग अलग एडवाइजरी जारी की गई है। हमने प्रदेश में भी इसे लेकर आदेश जारी किया है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप और WHO ने इसे संक्रामक बीमारी घोषित किया हुआ है। भारत सरकार ने भी लगातार चिंता जाहिर की और राज्य सरकारों के एडवाइजरी भेजा गया और उस एडवाइजरी को भी गंभीरता से लेते हुए हम लोगों ने राज्य में भी उसकी सुरक्षा की तैयारी की। सारे हॉस्पिटल में उसकी व्यवस्था की गई है और की जा रही है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ में एहतियातन सभी स्कूल और कॉलेजों को 13 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य में अब तक करीब 50 बीमारी के संदिग्धों की जांच की जा चुकी है और कोई भी मामला पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सरकार लगातार वायरस के खतरे को देखते हुए अलर्ट है। राज्य में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जाँच के साथ सतर्कता बढ़ती जा रही है। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर डिनर किया। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने सभी को भोजन परोसा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह भी साथ में डिनर किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश की राजनीति के सियासी समीकरण बदल गए हैं। सिंधिया का भोपाल में शानदार स्वागत भाजपा नेताओं द्वारा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान खुद सिंधिया के स्वागत के लिए भाजपा कार्यालय के गेट पर खड़े रहे। रात करीब 10 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया 74 बंगला स्थित शिवराज सिंह चौहान के निवास पर डिनर के लिए पहुंचे और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ डिनर किया। इस मौके पर शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने सभी को भोजन परोसा, जिसके बाद सिंधिया होटल चले गए। बिहार से लेकर यूपी तक पहाड़ों तक अगले 72 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 15 मार्च तक बिहार, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली के अलावा कई राज्यों में भारी बारिश और ओले गिर सकते हैं। मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर के अनुसार इस सप्ताह उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। वहीं राजस्थान के उत्तरी जिलों,
के साथ साथ हरियाणा दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ हल्की मध्यम बारिश हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।